नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M3 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस यूनिट में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और ये प्रॉब्लम है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू कोसेक एक्स। और आपको मेंशन किया हुआ है प्रॉब्लम में यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन एज इट इज लिख लेना है दिए हुए प्रॉब्लम में, राइट। ए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू कोसेक एक्स, ए इक्वेशन आपको एज इट इज लिख लेना है प्रॉब्लम, राइट। तो स्टूडेंट, अब हम इसे देखिए कैपिटल डी में कन्वर्ट कर लेते। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे क्या है स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी का स्क्वायर है, तो आपको लिखना है सिर्फ कैपिटल डी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है तो बाकी कोई भी टर्म्स नहीं देखने, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि यहाँ पे स्मॉल डी है, स्मॉल डी को स्क्वायर है, तो आपको लिखना है कैपिटल डी और स्क्वायर। और ये जो वाई है स्टूडेंट, राइट, ये वाई आपको बाद में लिखना है, राइट। तो पहले आपको तो ये लिख लेना है स्मॉल डी स्क्वेयर है, तो आपको लिखना है कैपिटल डी का स्क्वेयर, देन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, राइट स्टूडेंट। एंड देन ये जो वाई स्टूडेंट, ये भी हम बाद में लिखेंगे, मगर वाई का कोएफिशिएंट कितना है, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे, वाई के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है। अगर कोई भी नंबर हमें नहीं दिखाई देता तो वहां पे होता है स्टूडेंट वन, तो ये हो गया डी स्क्वेयर प्लस वन, ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट के बाहर लिखना है आपको वाई और इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना है कोसेक एक्स। क्या करना है देखिए स्टूडेंट, ये जो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, कैसे लिखना है आपको देखिए, यहाँ पे स्मॉल डी है, स्मॉल डी का स्क्वेयर है, सिर्फ इस टर्म पे ही आप फोकस करें, यहाँ पे स्मॉल डी का स्क्वेयर है, तो आपको लिखना है सिर्फ कैपिटल डी स्क्वेयर, कैपिटल डी का स्क्वेयर, राइट। ये जो वाई है ना स्टूडेंट, ये वाई हम बाद में लिखेंगे, देन डायरेक्टली प्लस लिखेंगे, ये प्लस, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, वाई के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो वहां पे होता है वन, ब्रैकेट कंप्लीट, और ए वाई और ए वाई हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे यहाँ पे एक ही बार, ओके। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाई ब्रैकेट के बाहर एक ही बार लिखना है और इक्वल टू कोसेक एक्स। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इस इक्वेशन को, राइट, इतना सिंपल है। अब हम स्टेप वन में देखिए, यहाँ पे स्टेप वन में अब हम वाई सी फाइंड करेंगे। तो वाई सी फाइंड करते वक्त देखे स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है इक्वल्स टू की ये साइड होती है आर एच एस और इक्वल्स टू की ये साइड होती है स्टूडेंट एल एच एस। तो वाई सी लेते वक्त हम इक्वल्स टू की इस साइड को हम नहीं कंसिडर करते, इक्वल्स टू की इस साइड की जगह हम लेते जीरो। तो देखिए यहाँ पे डी स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज और ये ब्रैकेट के बाहर वाई एज इट इज और इक्वल टू क्या लेते हैं हम जीरो, क्योंकि वाई सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते वक्त हम इक्वल्स टू की ये साइड होते हैं आर एच एस, इक्वल्स टू की ये साइड होते हैं एल एच एस, तो हम सिर्फ एल एच एस कंसिडर करते, आर एच एस इक्वल्स टू की इस साइड में हम लेते जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में वाई भी हम कंसिडर नहीं करते स्टूडेंट, ध्यान से देखे, सिर्फ डी स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू लेंगे जीरो, क्योंकि वाई नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है जीरो, सिर्फ इतना ही याद रखना है, तो वाई भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे डी स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू जीरो के। तो देखिए बहुत सिंपल है इसका रूट, जब भी आपको डी स्क्वेयर प्लस होगा, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको बेसिक लिख के देता हूँ, जब भी डी स्क्वेयर प्लस वन होगा तो इसके रूट्स आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, वन आई, यहाँ पे क्या है वन है ना, तो वन आई और माइनस वन आई ये हो गए। अगर आपका डी स्क्वेयर प्लस टू होगा तो इसके रूट्स हो गए टू आई और माइनस टू आई, राइट स्टूडेंट। तो डी स्क्वेयर प्लस वन के रूट्स क्या हो गए, वन आई माइनस वन आई, मगर हम वन नहीं लिखते, ओके, वन हम कभी भी कोई पेशेंट नहीं लिखते, तो डी स्क्वेयर प्लस वन के क्या आएंगे स्टूडेंट रूट्स, आई और माइनस आई। ध्यान में रखिए डी स्क्वेयर प्लस वन वन के स्टैंडर्ड रूट्स है, देखिए यहाँ पे वन है तो वन आई माइनस वन आई, अगर डी स्क्वेयर प्लस टू होता तो टू आई माइनस टू आई, डी स्क्वेयर प्लस थ्री होता तो थ्री आई माइनस थ्री आई, मगर हम वन कोई पिशन नहीं लिखते, तो हम डायरेक्टली रूट्स में सिर्फ आई लिख सकते और माइनस आई, वन नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो डी स्क्वायर प्लस वन के रूट से स्टूडेंट आई
देखिए आई और माइनस आई, ध्यान से देखिए, डी के क्या रूट्स आए, डी स्क्वायर प्लस वन के आई और माइनस आई। अगर डी स्क्वायर प्लस टू होता तो टू आई और माइनस टू आई ऐसे लिखते, अगर डी स्क्वायर प्लस थ्री रहता तो थ्री आई और माइनस थ्री आई, बट यहाँ पे वन है तो वन आई और माइनस वन आई होगा, बट हम वन कोएफिशिएंट नहीं लिखते तो इसलिए आई और माइनस आई। अब इसका वाईसी देखे स्टूडेंट कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे वाईसी लिखते वक्त आपको यहाँ पे मैं नोट में लिख के देता हूं, अगर आपका इमेजिनरी टर्म होगा, आई मीन स्टूडेंट इमेजिनरी टर्म, तो अगर आपका पॉजिटिव आई होगा, पॉजिटिव आई होगा तो आप लिखिए स्टूडेंट कॉस एक्स, अगर आपका निगेटिव आई होगा तो आपको लिखना है स्टूडेंट साइन एक्स, से ध्यान में रखना है राइट। अगर टू आई होता तो आप क्या लिखते, कॉस टू एक्स, अगर पॉजिटिव टू आई होता तो आप क्या लिखते, कॉस टू एक्स, अगर निगेटिव टू आई होता तो आप क्या लिखते स्टूडेंट, साइन टू एक्स, पॉजिटिव होगा तो कॉस और निगेटिव होगा तो साइन, याद रखे पॉजिटिव होगा तो कॉस, निगेटिव होगा तो साइन। तो देखिए ये पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आई, आई मीन्स इमेजिनरी टर्म है, अगर पॉजिटिव होगी तो ये आई पहला रूट है इसीलिए सी वन, और ये पॉजिटिव है आई इसीलिए कॉस एक्स, प्लस माइनस आई दूसरा रूट है इसीलिए सी टू, और ये निगेटिव है इसीलिए आपको लिखना है साइन एक्स, ये हो गया आपका वाई सी राइट स्टूडेंट। सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए वाई सी का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्टूडेंट सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई सी का, किसमें स्टूडेंट, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का वाई सी का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आपने इसे कंपेयर किया, कंपेयर यहाँ पे अगर आपने किया कि कंपेयर अबो टू इक्वेशंस, कंपेयर अबो टू इक्वेशंस राइट स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे सी वन सी वन, वाई वन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, वाई वन की, तो वाई वन की वैल्यू होगी कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए सी टू सी टू, और यहाँ पे क्या वाई टू, तो वाई टू की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वाई टू की वैल्यू होगी साइन एक्स, वाई टू की वैल्यू होगी साइन एक्स। अब हम वाई वन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वाई वन का डेरिवेटिव कैसे, वाई वन डैश, वाई वन डैश मीन्स वाई वन का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए साइन एक्स, और अब हम वाई टू का डेरिवेटिव, वाई टू का डेरिवेटिव होता है वाई टू डैश, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट कॉस एक्स, तो ऐसे। अब हम डब्ल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में डब्ल्यू फाइंड करना था, डब्ल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे वाई वन, देन यहाँ पे वाई टू, देन यहाँ पे वाई वन डैश, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई टू डैश, ये होता है डिटर्मिनेंट डब्ल्यू का। तो देखिए यहाँ पे सो वाई वन कितना है स्टूडेंट कॉस एक्स, वाई वन है कॉस एक्स, देन वाई टू है साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, देन वाई वन डैश है माइनस साइन एक्स, एंड देन वाई टू डैश है स्टूडेंट कॉस एक्स राइट, वाई टू डैश है कॉस एक्स। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में सो डब्ल्यू का ये डिटर्मिनेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो है यहाँ पे कॉस एक्स, देन यहाँ पे साइन एक्स, देन यहाँ पे माइनस साइन एक्स, एंड देन यहाँ पे कॉस एक्स ओके। तो डिटर्मिनेंट इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले ये साइड करनी होती है आपको मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा कॉस स्क्वेयर एक्स, देन अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से पहले, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आपको लिखना होता है माइनस, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स होगा स्टूडेंट साइन स्क्वेयर एक्स ऐसे राइट। देखिए पहले कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स, देन आपको माइनस देना होता है डिटर्मिनेंट पे, एक मल्टीप्लीकेशन होगा ये दोनों टर्म्स का, तो उसके बाद माइनस, देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये माइनस, देन साइन एक्स इंटू साइन एक्स होगा साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स आपका साइन स्क्वायर एक्स, और आपकी ये जो वैल्यू है ये किसके स्टूडेंट्स अभी डब्ल्यू की, तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है स्टूडेंट वन, एक ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है वन, या फिर
साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स होता है 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख के देता हूं मैं कि कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स होता है स्टूडेंट 1। ये आपको याद रखना है राइट। तो ये हो गया 1। तो डब्ल्यू की वैल्यू मिली स्टूडेंट्स डब्ल्यू इक्वल टू 1 राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट, अब आपको वाईपी फाइंड करना है। वाईपी वाईपी मीन स्टूडेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट। वाईपी क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। और वाईपी का फॉर्मूला होता है यू वाई वन प्लस वी वाई टू। ये आपका वाईपी का फॉर्मूला। तो वाईपी सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट यू, यू पता होना चाहिए और आपको वी का वैल्यू पता होना चाहिए राइट। तो देखिए स्टूडेंट यू का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यू का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ देखे माइनस माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू और यहाँ पे मैं लिखूंगा डीएक्स। ये हो गया यू का फॉर्मूला। और यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखूंगा वी का फॉर्मूला। और वी होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू और यहाँ पे मैं लिखूंगा डीएक्स। तो आपको यू के और वी के फॉर्मूले पता होना चाहिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के। ये वाईपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू वाई वन प्लस वी वाई टू। वाईपी का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? यू वाई वन प्लस वी वाई टू। और यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू डीएक्स। वी होता है वाई वन एफ ऑफ एक्स और ये अपॉन डब्ल्यू डीएक्स। तो इसमें जो एफ ऑफ एक्स है स्टूडेंट, जो आपकी आर एच एस की टर्म है, ये जो ये टर्म कौन से आपकी आर एच एस की टर्म है दिए हुए इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं हम आर एच एस इक्वल्स टू के साइड आर एच एस। तो आर एच एस की जो भी टर्म होती है क्या है वो कोसेक एक्स। तो आपको जो कोसेक एक्स है वो होगा स्टूडेंट्स आपका एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे भी मैं लिख के देता हूँ आर एच एस की जो टर्म है राइट, जो आपकी कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स इक्वल्स टू के साइड कोसेक एक्स है वो आर एच एस की टर्म है मीन्स एफ ऑफ एक्स है, वही आपकी होती है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की टर्म। तो देखिए यहाँ पे यू एज इट इज देन माइनस माइनस पे इंटीग्रेशन के बाहर लिखता हूं देन वाई टू, वाई टू है स्टूडेंट आपके पास देखिए वाई टू है साइन एक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन एक्स वाई टू देन इन टू एफ ऑफ एक्स है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स अपॉन अपॉन क्या है स्टूडेंट आपका वन, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है वन, तो वन और ये डी एक्स एज इट इज राइट। देन यहाँ पे भी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन, वाई वन कितना है स्टूडेंट वाई वन है कॉसेक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉसेक्स देन इंटू एफ ऑफ एक्स है आपका कोसेक एक्स, कोसेक एक्स अपॉन डब्ल्यू स्टूडेंट वन और यहाँ पे डी एक्स राइट। तो देखिए अपॉन वन लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज, ये साइन एक्स एज इट इज इंटू कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन साइन एक्स। ये अपॉन पे वन लिखने की जरूरत नहीं है राइट, साइन एक्स एज इट इज। और कोसेक एक्स का फॉर्मूला में यहाँ पे लिख के देता हूं आपको, कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स होता है स्टूडेंट वन अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स राइट। तो देखिए यहाँ पे वन अपॉन साइन एक्स और ये डी एक्स एज इट इज, देखिए साइन एक्स कोसेक एक्स का फॉर्मूला वन अपॉन साइन एक्स और डी एक्स। तो साइन एक्स और साइन एक्स गेट कैंसल, तो यहाँ पे बच्चा स्टूडेंट माइनस, इंटीग्रेशन में क्या बच्चा स्टूडेंट वन और यहाँ पे डी एक्स। तो देखिए u इक्वल्स टू ये माइनस एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ वन, इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन वन होगा स्टूडेंट x, क्यों x होगा क्योंकि d के पास कौन सी टर्म है x की टर्म है, तो वन का इंटीग्रेशन होगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा वन का इंटीग्रेशन x। तो ये मिल गया आपको स्टूडेंट u का वैल्यू राइट। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे सो cos x एज इट इज, cos x एज इट इज, कोसेक एक्स अपॉन पे वन लिखने की जरूरत नहीं, कोसेक एक्स क्या है स्टूडेंट कोसेक एक्स का फॉर्मूला है वन अपॉन साइन एक्स, तो वन अपॉन साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स एज इट इज। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स, कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स में यहाँ पे लिख के देता हूँ कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स है होता है स्टूडेंट कॉट एक्स। तो कॉस अपॉन साइन, कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स होगा कॉट एक्स और यहाँ पे डी एक्स एज इट इज। तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये मिल गया स्टूडेंट्स आपको
वी का वैल्यू, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो आपका जो वाईपी था, वाईपी क्या था, यू वाई वन प्लस वी वाई टू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वाईपी इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू। तो यू यू कितना है स्टूडेंट, यू यू है आपके पास, यहाँ पे देखिए यू यू है आपके पास माइनस एक्स, यू की टर्म है माइनस एक्स। देन वाई वन, वाई वन कितना है, वाई वन है कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस एक्स। प्लस वी वी कितना है स्टूडेंट, वी यहाँ पे देखिए वी वी है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट। एंड वी टू सॉरी वाई टू, वाई टू कितना है, वाई टू है आपके पास साइन एक्स, वाई टू है आपके पास साइन एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन एक्स। तो ये मिल गया स्टूडेंट्स आपको वाई पी, देखिए ये मिल गया आपको वाई पी, और आपका स्टेप नंबर ये हो गया आपका स्टेप वन, राइट। ये था स्टूडेंट्स आपका वाई पी का स्टेप टू, वाई पी का हो गया स्टेप टू। अब आपको लास्ट आंसर में यहाँ पे लिख के देता हूँ, लास्ट आंसर देखिए यहाँ पे, और आपको लास्ट आंसर है स्टेप थ्री का। तो स्टेप थ्री में लास्ट आंसर वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो देखिए वाई इज इक्वल टू वाई सी, वाई सी कितना है स्टूडेंट आपके पास, वाई सी देखिए वाई सी सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, तो सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस वाई पी। वाई पी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई पी, तो वाई पी आपका माइनस एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स, राइट। देन प्लस आगे प्लस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स, लॉग साइन एक्स यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।